आजि मु आपन मानक सहित कंचा आलू एवं सुजी रे दोसा बनेबार रेसिपी शेयर करिया को जाऊ छी, जहा कि खाया पई बहुत टेस्टी एवं क्रिस्पी लागी थाए। एवं दोसा सहित खाया पई गोटे मजेदार चटनी रे रेसिपी मध्ये शेयर करिया को जाऊ छी, जहा को कि आपन माने झटपट ब्रेकफास्ट लंच डिनर जे कोन समय रे बने कि खाई परिबे। तबे चालंतु डेरी न करी रेसिपी स्टार्ट करिबा। तो ये दोसा बनेया पई म एटी गोटे मिक्सिंग जार नै जाई छी, सेथिरे आमे दे दबा एबे गोटे कप सूजी। तो एठी आपण माने मोटा किंबा पतला जे कोनोसी सूजी नै परिबे। तो एठी मु मोटा सूजी गोटे कप नै छी, मो पाखरे मोटा सूजी थिला तेनु मु मोटा सूजी नै जाई छी। एबे भलो बाइंडिंग पई आमे सेथिरे 2 चम्मच अटा दे दबा। तो एठी मु अटा रे यूज करी छी, आपण चाहिले 2 चम्मच बेसन दे परिबे न 2 चम्मच मैदा मध्ये दे परिबे। एबे आमे याकु भलो भाबरे ग्राइंडिंग करिक नै आसीबा। तो एठी देखंतु मु भलसे ग्राइंडिंग करिक नै आसी। एबे आमे याकु गोटे बड़ मिक्सिंग बॉल को ट्रांसफर करि नबा। एबे कोन करिबा ना से सेम मिक्सिंग जार रे आमे गोटे बड़ आलू काटिक दे दबा। तो एठी मु गोटे बड़ आलू को भलो भाबरे चोपा छड़ेई कि छोट छोट करि काटिक 3-4 थर धोई कि नै जाई छी। सेथिरे मु आधा इंच पाखा पाखी अदा गोटे कंचा लंका और हाफ चम्मच जीरा दे दऊँ। एबे आमे याकु भलसे बाटिक नै आसीबा। तो एठी देखंतु मु याकु भलसे बाटिक नै आसी। एबे आमे याकु मध्य से सुजी धर दे दबा। एबे आमे एथिरे अधा कप दही दे दबा। तो एठी मो पाखरे खट्टा दही थिला तेणु मु अधा कप नै छी, आपण मो पाखरे जदि फ्रेश दही थिबो तले गोटे कप मध्ये यूज करि परिबे। तबे आमे एथिरे पानी दे दबा। तो एठी मु ग्राइंडर जार को धोई कि से पानी को दे दो छी। तो एठी मु अधा कप पानी दे देली। एबे आमे सेथिरे स्वाद अनुसार लुण दे दबा। तो एठी मु अधा छोटो चम्मच लुण दे देली। एबे आमे याकु भलसे मिक्स करि नबा, जेमति का एथिरे गेटा न रहे। तो एठी देखंतु मु याकु भलसे मिक्स करि नेली। एबे आमे याकु 5-10 मिनिट एमति रेस्ट पई रखि दबा, जहा फळरे कि सुजी आमर फुल्ली कि सॉफ्ट हेइ जिवो। एठी सुजी आमर फुलु फुलु चालंतु एही दोसा पई गोटे मजेदार चटनी बनेबा। तो एठी मु अधा छोटो चम्मच तेल दे दउची, सेथिरे आमे दे दबा 3 बड़ चम्मच बुट डाली। जो बुट डाली आमे डालमा करंती सेही बुट डाली मु नेइछि। एबे आमे याकु मीडियम फ्लेम रे 2-3 मिनिट भलसे भाजिबा, जेमति आमर डाली टिके कलर चेंज हे जिवो। तो एठी देखंतु डाली आमर हल्का भाजी हे गलानी। एबे आमे एही स्टेज रे अधा छोटो चम्मच जीरा दे दबा आ अधा छोटो चम्मच सोरिष दे दबा। एहाकु मध्य हल्का टिके भाजिबा, जेमति का सोरिष आ जीरा आमर भलसे फुटि जिवो। तो एठी देखंतु जीरा आ सोरिष मध्य आमर बढ़िया से भाजी हे गलानी। एबे आमे सेथिरे दे दबा 10-12 टी भेरसुम पत्र। आउ एठी मु गोटे कंचा लंका को एमती मझीरु भांगी दे दउची, एहाकु मध्य टिके भाजी नबा। तो एठी देखंतु ए सब आमर बढ़िया से भाजी हे गलानी। एबे आमे गैस रो फ्लेम को ऑफ करी नबा आ किछि समय आकु ठंडा हबा को छाडी दबा। एबे एठी आमे चटनी को पिसी नबा। तो सेति पई मु एठी गोटे ब्लेंडिंग जार नै जाई छी, सेथिरे मु एठी आळे नडिया को एमती छोट छोट करी काटिक नै छी ताकु दे दउची। आउ आमे जो भाजी के रखले बूट डाली भेरसुम पत्र लंका से भी ठंडा हो जाई छी, ताकु मध्य मधरे दे दउची। एबे आमे एथिरे किछि धनिया पत्र को एमती छिड़े कि दे दबा। धनिया पत्र दबा द्वारा चटनी रो टेस्ट बढ़िया आसथाय आ कलर मध्य बहुत सुंदर देखा जाय थाय। एबे आमे एथिरे स्वाद अनुसार लुण दे दबा। तो एठी मु अधा छोटो चम्मच लुण दे दउची आ अधा छोटो चम्मच चीनी दे दउची। चीनी एठी बिल्कुल ऑप्शनल, किंतु चीनी देले चटनी रो टेस्ट बहुत बढ़िया आसथाय। एबे आमे एथिरे अल्प अल्प पानी देकी भलसे चिकन करिकि बाटिक नै आसीबा। तो एठी देखंतु मो चटनी को बढ़िया से चिकन करके बाटिक नहीं आसी, चटनी रो कलर के बढ़िया देखा जामें यहाँ गोटे बॉल को ट्रांसफर करवा। एवं आम चटनी रे तड़का लगे नवा। तो ये तड़का लगे गोटे तड़का पैन रे गोटे चम्मच तेल दे देती, अधा छोट चम्मच सोरिष दे दूँ, अधा छोट चम्मच जीरा दे दूँगी, गोटे शुक्ला लंका को छिड़ेक दे दूँगी आ 6-7 भेरसुम पत्र देखिए भलसे टी भाजी नवा। एठी आमर चटनी पई तड़का रेडी होगला। एबे आमे ए तड़का को चटनी रे दे दबा। जेतो ए चटनी को आमे दोसा रे खाया पई बनै जे, तेनु मई चटनी रो कंसिस्टेंसी को एमती रखी छी। आपण जदि याकु इडली किंबा उपमा रे खाया पई बनौ थांती तेनु याकु आउ टिके पाणिया करि परिबे, किंतु ए चटनी दोसा सहित खाया पई बहुत टेस्टी लागी थाय। एपटे बैटर को रखिबार हमकु पाखा पाखी 8-10 मिनिट हे गेलानी। बैटर मध्य आमर बढ़िया से फुली जाय छी आ बैटर मध्य टिके काटु आइ जाय छी। एबे आमे सेथिरे अल्प अल्प पानी देकी जेमती का दोसा रो बैटर बनौ छी, सेमती का गोटे गाढ़ा बैटर बनै के रेडी करिबा।
तो ये देखो पखापाखि आधा कप पा आम यूज है गोटे दोसार बैटर बन के आम रेडीगला एवं आम बैटर में 1/4 टीस्पून खाइबा सोडा देद और भल भाव दुई मिनिट तक मिक्स करवा देखु दुई मिनिट पर आम इंस्टेंट फ्लफी दोसा बैटर बन के रेडी एवं चलतु दोसा बनवा स्टार्ट करवा से मुझे तावा को गरम हवा को रखी थी तावा आमर गरम हो जाए से दु रु तीन बुंद तेल देद बढ़िया से तावा स्प्रेड कर नवा आ फ्लेम को हाई रखी तावा को बढ़िया से गरम हवा को दबा एवं आम गरम तावा उपरे किछि पानी छिंची नवा आ कपड़ा किंबा टिश्यू पेपर में भल से पोछि नवा जहाँफल कि कौन हम ना आम दोसा क्रिस्पी एवं परफेक्ट बन तो ये देखूँ मुझे गोटे कर चुली बैटर तावा उपरे देदेली एवं आम यहाँ भल से स्प्रेड कर नवा आ स्प्रेड कला बेले गोटे कथा मन रखिए गैस फ्लेम को मीडियम रखिकी या स्प्रेड करवा मीडियम फ्लेम सेकवा को दबा ठीक देखूँ आम दोसा के जालीदार बनी तार ऊपर ड्राई होगला किसी तेल लगे नवा तेल लगे द्वारा कौन हम ना तेल जाली द्वारा दोसा भितर को जीव आ दोसा को क्रिस्पी बनइब ता सहित तावर मध्य बहुत आराम से दोसा बाहरी आसब तो ये देखूँ मुझे दोसा उपर बढ़िया से तेल लगेदेली एवं आम दोसा को मीडियम फ्लेम रे गोल्डन ब्राउन कलर है पर्यटन सेकवा तो ये देखूँ दोसा आम टे सेकी आसला आम तावा को बुले बुले सेकवा जेहेतु तावा आम टे बड़ अच्छे तेणु तावा को आम एपट सेपट कर दोसा को आम बढ़िया से सेकवा जमी सबूपाख आमर क्रिस्पी हो तो ये देखूँ दोसा आमर बढ़िया से सेकी जा तार कलर मध्य बहुत बढ़िया आसी आम यहाँ बाहर करवा जेहेतु आम ए आलु यूज करे तेणु आलुर स्टार्च जो दोसा आमर क्रिस्पी बनी सहित तार कलर मध्य बहुत बढ़िया आसी आदि आपड़ डायबेटिक पेसेंट होता तेल आलु को स्किप करें खाली सुजी में दोसा बनई खाईपर ये मुझे सेम प्रोसेस रे आउ गोटे दोसा बनई देखुची प्रथम ये पा छिंचिक पाने को टिश्यू पेपर में पोछी नेली तापर मुझे गोटे करूली बैटर दे कि बढ़िया से तावर स्प्रेड करे दोसार ऊपर ड्राई होगापर तेल लगे कि बढ़िया से तावा को एपट सेपट कर दोसा को सेकी नेली ये देखूँ आमर आउ गोटे दोसा बनकी रेडी यहपर भाव में मुझे सबुतक दोसा को बनई रेडी करे यही सुजी आलुर दोसा बनवा बहुत सहज आ खावा बहुत टेस्टी लगी थाए यह आपण मैंने लुहा तावे बनई पारे आ बनवा पूर्व प्रथम लुहा ताव को पिंजे बढ़िया से ग्रीस करे लुण पा टे छिटका देदे दोसा आमर बिलकुल भी तावे चिपने बहुत आराम से उठीज यही दोसा को बनवाई ना आपण को घंटा घंटा बिरी आ चाउल दोसा परिका भिजेवा पड़ब ना फर्मेटेसन करा पड़ो या इनस्टांट घरे सामान बनई खाईपर जेहेतु यह इनस्टांट बनी जाए तेणु जेकोसी टाइम यहाँ आराम से बनई खाईपर तेणु आपण मैंने आलु आ सुजी दोसा रेसीपी को निश्चित भाव घरे बनातु आपण को कमेंट सेक्शन लिखी जनातु रोची धन्यवाद।